आप देख रहे होंगे ये रहा पार्शियल एजुकेशन और हमारा जो चैप्टर चल रहा था कॉलिंग सेक्शन उसको आगे हम देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें आज का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज, जिसका सेंटर उसने दिया हुआ दैट इज 2-3 एंड पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, अब ये देखिए ये इस तरह से कुछ होगा कि एक सर्कल है हमारे पास, उसका सेंटर है यहाँ पे कोई सी और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, और अब हमें वो पॉइंट नहीं पता क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन है, पर किसका इंटरसेक्शन है, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालें तो जो पॉइंट होगा वो इसका इंटरसेक्शन होगा, सेंटर हमें दे रखा है दैट इज 2-3। तो हम वो करेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3x - 2y = 4 और दूसरी इक्वेशन वो है 4x + y = 27। ठीक है, ये तो इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी। अब ये देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक को इक्वल कर लेते हैं ताकि ये कैलकुलेट हो जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3x - 2y = 4 और इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कुछ 8x + 2y = ये कितना हो जाएगा दैट इज 54। ठीक है, ये क्या होगा 54 हो जाएगा। अब ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, कैंसिल कर दीजिए तो 8 और 9 = 11 तो ये क्या हो गया 11x हो गया और इनको अगर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 58। आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, क्या चीज़ गलत की है यहाँ पे, 8 11 ठीक है, और अगर 2 टाइम करते हैं तो 57 ही होता है। क्वेश्चन सही है क्या, हाँ सही तो है, ओके फाइन, यहाँ पर 1 है, ठीक है गलती नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब ये देखिए, ये देखोगे तो 55 आएगा, इसके बाद x = 55/11 ये कितना आ गया 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो यहाँ पे एक x जो हम लिख सकते हैं वो कितना होगा 5, इसलिए से y की वैल्यू निकालेंगे, इसको उठा के पहली इक्वेशन में डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 5 - 2y। देखिए यहाँ x का मैंने वहाँ पे से 5 रख दिया यहाँ से जो निकाला था, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 15 - 2y = 1, ये हो जाएगा -2y = 1 - 15, ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -2y, माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज 7। तो क्लियर हो गया, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉइंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास है सेंट्रल फॉर्मूला जो होता है आपको बताया था वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं इसका, तो रेडियस कैसे होता है बताया था आपको, रेडियस √ डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगाते हैं हम लोग, 5 - 2 2 पहला क्या होगा 5 - 2 2 प्लस दूसरा क्या होता है 7 - 3, पर -3 है तो -3 प्लस हो जाएगा तो 7 + 3 हो जाएगा, ठीक है होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया। r = कितना आ जाएगा दैट इज ये हो जाएगा आपके पास √, और 5 - 2 मतलब कितना आएगा 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। क्लियर हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 7 + 3 कितना होगा 10 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा दैट इज 100, कितना आ गया 100। तो यहाँ पे हम देखोगे r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 109। क्लियर हो गया कैसे आ गया r का वैल्यू 109, तो ये आ गया आपके पास। अब हमें r की वैल्यू चाहिए थी, ये हम इरेज कर देते हैं बाकी, तो r आ गया हमारे पास 109। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 109 और ये क्या आ गया आपके पास r वो भी अंडर रूट में। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब जो इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है x - ठीक है x1, तो हम जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 आ जाएगा तो 2 cos² प्लस फिर कितना होता है y + 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसका भी स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर होता है तो रेडियस कितना है ये, तो √109² कर लोगे तो क्या आएगा 109, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स जो है इसमें a + b² लगाइए तो लगाओगे तो क्या आएगा, ये आपके पास आएगा x² + 4 और हो जाएगा -4x, ये करोगे तो कितना आएगा y² + 9 और प्लस हो जाएगा 6 और जो है y, ठीक है यहाँ पे कितना आएगा y = कितना आएगा 109। क्लियर हो रहा है, सिर्फ मैंने होल स्क्वायर खोला है। ठीक है, अब ये देखिए x का स्क्वायर y का स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है y का स्क्वायर फिर -4x, ठीक है +6y, अब कॉन्स्टेंट वाला हम जो है हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो देखिए 9 और ये कितना है 4, 9 और 4 कितने हो गए अपने पास दैट इज 13, 13 आएगा तो ये देखिए ये आ जाएगा प्लस का 13 = 109। अब ऐसा देखिए 100 जो 13 है ना हम उसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो 109 में से आप 13 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 6 और ये जो है ये आ जाएगा आपके पास 9, तो कितना आ गया 96 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 और पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे रहेगी आपके पास। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हमारी जो है इक्वेशन है
जो हमें निकालनी थी, क्योंकि उसने कहा था इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए क्या चाहिए, तो सेंटर पॉइंट चाहिए, वो तो उसने हमें दिया था, लेकिन साथ में और क्या चाहिए था, हमें रेडियस चाहिए था। तो उस रेडियस को निकालने के लिए हमें ये पॉइंट नहीं दे रखा था, पर पॉइंट निकालने के लिए एक तरीका बता रखा था, दो बोल सकते हैं आपको हिंट दे रखी थी। वो क्या दे रखी थी, ये दो इक्वेशन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है, वहां से हमने रेडियस निकाला, फिर अपनी जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल उसमें डाला और इसको सॉल्व कर दिया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी सा है, लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आप इसे सॉल्व कर लोगे एक बार, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉपर फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस देखिए, अब ये देखिए सर्कल ये है, या तो ये पॉइंट जो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट या तो सर्कल के कहीं यहाँ अंदर लाई करता होगा, या बाहर करेगा, या फिर ऊपर करेगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कि अगर मान लीजिए कि अगर ये पॉइंट इस पहले समझिएगा थोड़ा सा, देखिए अगर ये पॉइंट के यहाँ पे लाया जाएगा मान लीजिए, तो इसका मतलब ये रेडियस होगा। देखिए तो यहाँ पे अगर हम अपना जो स्टैंडर्ड हमारे पास इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो क्या कहती है, वो होती है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अब ये कब होती है कि जब हमारे पास जो सर्कल है, ठीक है, वो किस पे है, उसका हम सेंटर, सॉरी उसका सेंटर क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, सेंटर क्या लेके चल रहे होते हैं, हम लोग जीरो लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जीरो और जीरो होती है, बता दीजिए मान लीजिए आपके पास, ठीक है, ये सेंटर जीरो है और यहाँ पे क्या है, कुछ आपके पास दो पॉइंट्स आपके पास एक्स और वाई है, ठीक है, तभी तो हम ये ले रहे होते हैं। तो ये देखिए आप कैसे ले रहे होते हैं, मैंने आपको बताया भी है कि ये हमारे पास रेडियस है, तो देखिए एक्स माइनस ऑफ जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर का स्क्वायर, है ना। तो अभी देखिए ये देखोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि जीरो का तो मतलब नहीं बनता अपने पास, है ना, और ये क्या होगा आर का स्क्वायर, तो वो बन रही है ना आपके पास। तो इसका मतलब अगर हम ये इस इक्वेशन को भी देखें, अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, तो इसका मतलब इसका भी सेंट्रल पॉइंट क्या रहे होंगे, जीरो जीरो रहे होंगे, मतलब ओरिजिन पे होगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे इसके जो सेंटर पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो कॉमा जीरो होंगे। क्लियर हो गया कि मैंने सेंटर पॉइंट कैसे अज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि हमारी जो सेंट्रल इक्वेशन की मतलब कि सर्कल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होती है वो क्या होती है, ये होती है, और ये जो उसने तब दिया होता है जब इसके सेंटर किस पे लाई कर रहे होते हैं, जीरो पे कर रहे होते हैं, सॉन मारा मतलब कि ओरिजिन पे कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने अपने आप ले लिया कि इसके सेंटर क्या होंगे, जीरो जीरो, और रेडियस क्योंकि आर है, तो ये हम आर देखेंगे तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हम यहाँ पे रेडियस इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर रहा होगा, समझ में आ रहा है, रेडियस क्या ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इससे एक चीज कुछ चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी, है ना। अच्छा अब देखो आगे, अब अगर हम यहाँ देखें, अगर ये सेंटर पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, अगर तो अल्टीमेटली ये पॉइंट्स क्या होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि हम जो है अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इन पॉइंट से क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए आप रेडियस निकाल लीजिए, पहला अगर आप रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक पॉइंट तो जो उसने हमें दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है, माइनस टू और जो है 5 दे रखा है, हमें पता नहीं इस पे लाई कर रहा है कि नहीं, मैं बस उस पॉइंट से इसका डिफरेंस निकाल रहे हो कि कितना इसका डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो सेंटर तो मुझे पता है कि जीरो जीरो है, इस इक्वेशन से मैंने ले लिया, अभी पता है मैंने जीरो जीरो कैसे लिया है, तो ये सेंटर तो जीरो जीरो है, पर ये पॉइंट में निकाल ले रही हूँ वो क्या है, माइनस टू कॉमा जो है सॉरी माइनस 2.5 और ये है 3.5, ठीक है, यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। तो ये देखोगे माइनस 2.5 और जो है माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या आएगा 3 माइनस जो है 3.5 सॉरी 3.5 माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसका स्क्वायर कर लें तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, है ना, तो पॉइंट कर लेते हैं प्लस यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये कितना होता है 12.25 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 का कितना हो जाएगा दैट इज जो है 12.5, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो ये कुछ आएगा प्लस अंडर रूट 18.5 आ जाएगा, ठीक है, इनको प्लस कर लीजिए क्योंकि 12 और 6 कितना होगा 18 और 25 50, है ना, तो ये हो जाएगा 18.5 आ गया। तो अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट भी देखेंगे तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा कुछ इस तरह का, आप कह सकते हो देखो 4 4 16 होता है तो 4 के स्क्वायर से तो ज्यादा होगा, तो हम 4.3 समथिंग ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर क्या रेडियस जो हमने इससे निकाला जो डिस्टेंस निकाला कितना है 4.3 आया रेडियस और हमारा यहाँ रेडियस कितना है 5, तो ऑब्वियस ही बात है ये सेंटर पे कभी भी उस पे लाई करेगा ही नहीं, है ना, कभी भी सर्कल के ऊपर तो लाई करेगा नहीं। अगर ये बाहर पॉइंट लाई कर रहा होता तो ये 5 से बड़ा होता डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, क्या होता बाहर होता, तो ये बाहर भी नहीं होती, कहाँ पे आएगा अंदर आएगा विद इन द सर्कल, तो आंसर क्या आ जाएगा इनसाइड द सर्कल।
क्लियर हो गया गाइस? इस क्वेश्चन को एक दो बार देखोगे दोबारा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने समझा दिया सारा कुछ, कैसे लिया है सेंटर पॉइंट, कैसे ले रखा है रेडियस, कैसे निकाला, सिर्फ कंपैरिजन किया है। हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फिर मैंने डिस्टेंस निकाला है इस पॉइंट से, जो भी पॉइंट दिया है गाइस, मैं फिर बोल रही हूं, मैंने सिर्फ ये अज्यूम किया है कि इसका डिस्टेंस, मैं ये नहीं कह रही कहीं पे भी हो सकता है, पर मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस लिया, उसको कंपेयर किससे किया, रेडियस से किया, क्योंकि ये रेडियस से छोटा है डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।